हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। माय सेल्फ प्रिंकल सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में हम एस वाई बीकॉम सेम फोर ESBM सब्जेक्ट के यूनिट 3 का रिवीजन करने वाले हैं। और आपकी आने वाली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस सुपर रिवीजन सेशन में मैं आपको यूनिट 3 के सभी टॉपिक, सभी सेशंस बहुत ही बढ़िया लेवल पे कम से कम टाइम पे प्रिपेयर करवाने वाला हूँ, जिससे कि आप एग्जाम की प्रिपेयर बहुत अच्छे लेवल पे कर सके और बेहतरीन रिजल्ट अचीव कर सके। तो आप लोग भी अपने साथ साहस के पैम्पलेट ले लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस कीवर्ड्स में हाईलाइट करवाता हूं उसे हाईलाइट कीजिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। फाइनेंसिंग द न्यू वेंचर, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है, दैट इज डिस्कस वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग एंड SME। SME को फाइनेंस करने के लिए वेरियस सोर्सेस कौन से हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंडिंग रिक्वायर एज अ बिजनेस डेवलप। जैसे जैसे बिजनेस डेवलप होता है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, उसे अलग अलग स्टेज पे अलग अलग फंड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो फंड की रिक्वायरमेंट कब रहती है और कौन कौन सा बेस्ट सोर्स है जिससे उसे फंड मिल सकता है, जिसमें फर्स्ट है अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग। द फर्स्ट फाइनेंस ऑप्टेन बाय द कंपनी, जब कंपनी फर्स्ट टाइम कोई फाइनेंस ऑप्टेन करती है, एंड बेस सोर्स फॉर दैट इज एंजल इन्वेस्टर्स। सेकंड वन दैट इज एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, दैट इज रिक्वायर फॉर रैपिड एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के रैपिड एक्सपांशन के लिए, एक बार आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, फिर उसको मोर एक्सपांशन की रिक्वायरमेंट है, मार्केट इंक्रीज करने के लिए आपको फंड की रिक्वायरमेंट है। एंड बेस्ट सोर्स फॉर दैट इज वेंचर कैपिटलिस्ट। दोस्तों आप लोगों को जस्ट नॉलेज के लिए मैं बता दूं, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। एंजल इन्वेस्टर्स नॉर्मली इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं दे आर मोस्टली द फर्म और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लोगों से पुल किया हुआ पैसा ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड वन दैट इज एक्विजिशन फाइनेंसिंग, दैट इज रिक्वायर फॉर एक्विजिशन ऑफ न्यू फर्म। आप कोई नई फर्म परचेस करना चाहते हो, बाइंग आउट अनदर कंपनी, तब आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड द ऑप्शन फॉर एक्वायरिंग फाइनेंस आर लीवरेज बायआउट्स, राइट, और गोइंग पब्लिक। आपके पास दो ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, बोरोड फंड का यूज कर सकते हो, या तो आप पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर सकते हो, जिसमें से बेस सोर्स है दैट इज द पब्लिक। आप पब्लिक के पास से पैसा कलेक्ट कर रहे हो, किसके लिए, न्यू फर्म एक्सपांशन के लिए। न्यू फंड आप कोई भी एक्वायर कर रहे हो, नई फर्म कर रहे हो, आपकी फर्म एग्जिस्टिंग फर्म को एक्सपांड करने के लिए आप कोई छोटी फर्म को एक्वायर कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तब जो आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए बेस सोर्स है पब्लिक, जिससे आपको पैसा लेना है, राइट। सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग एन SME, राइट, देर आर मेनली थ्री वेज ऑफ फाइनेंसिंग एन SME, जिसमें सबसे पहला है डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग क्या है, डेट फाइनेंसिंग मींस ऑब्टेनिंग बोरोड फंड फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए आप बोरोड फंड ले रहे हो। डेट फाइनेंसिंग इज ए फाइनेंसिंग मेथड विच इन्वॉल्व्स एन इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। डेट फाइनेंसिंग में मोस्टली क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम वो फंड तो रीपे करना है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना है। यूजुअली अ लोन और डिबेंचर्स आर द एग्जांपल ऑफ दैट। यानी कि डेट फंड के एग्जांपल कौन से हैं, आप फंड से, बैंक से या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप फंड कलेक्ट करते हो, जिसके बदले में आप टाइम टू टाइम उसको एज ए EMI इंस्टॉलमेंट के तौर पे आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट आप रीपे करते हो, राइट। टिपिकली डेट फाइनेंसिंग रिक्वायर सम एसेट्स। अब ये जो डेट फाइनेंस आपको एक्वायर करना है तो उसके लिए आपके पास कुछ एसेट होनी चाहिए। जैसे आप बैंक में जाके खड़े रहोगे, मुझे 1 करोड़ की लोन चाहिए, तो बैंक वाला आपको दे देगा, नहीं, आपको सामने क्या करना पड़ेगा, कुछ गारंटी देनी पड़ेगी, कुछ सिक्योरिटी तौर पर रखना पड़ेगा, कोलेट्रल करना पड़ेगा। यानी कि आप आपकी एसेट सामने रखते हो बैंक में, अपने जी गुजराती में कहिए छे के गिरवे मुको, राइट, दैट इज हाइपोथिकेशन। तो आपकी कोई भी एसेट एज ए कोलेट्रल वहां पे रखनी पड़ती है। सो टिपिकली डेट फाइनेंसिंग रिक्वायर सम एसेट्स लाइक कार, हाउस, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड टू बी यूज एज कोलेट्रल, यानी कि सिक्योरिटी और गारंटी के तौर पे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रखना पड़ेगा। देन सेकंड वन दैट इज इक्विटी फाइनेंसिंग। अब इक्विटी फाइनेंसिंग मीन्स ऑब्टेनिंग फंड्स फॉर द कंपनी इन एक्सचेंज फॉर ए शेयर इन द ओनरशिप। इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या रहेगा कि आपको फाइनेंस मिलेगा, बदले में आपकी कंपनी का कुछ ओनरशिप, कुछ हिस्सा जो है वो फाइनेंस देने वाला जो है वो अपने पास ले लेगा। तो इन्वेस्टर शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द वेंचर एज वेल एज एनी डिस्पोजिशन ऑफ इट्स एसेट्स।
इन्वेस्टर क्या करते हैं, शेयर द प्रॉफिट, यानी कि जब कंपनी को प्रॉफिट होगा उसमें से इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलेगा, या तो कंपनी की कोई एसेट सेल होगी उसमें प्रपोर्शन उसको मिलेगा, ऑन द प्रपोर्शन बेसिस बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द बिजनेस ऑन, जिस प्रपोर्शन में बिजनेस ऑन किया है यानी कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके अगेंस्ट में जितनी ओनरशिप आपने रिजर्व की है उसके प्रपोर्शन में आपको बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टर शेयर्स द रिस्क फेस्ड बाय अ बिजनेस, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस के रिस्क है वो फेस करते हैं, यानी कि बोरोड फंड में क्या होगा कि कंपनी को प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है, लॉस जाता है, कुछ भी होता है, लेकिन उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा। जबकि इक्विटी में ऐसा नहीं है, अगर कंपनी को बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, तो ही वो एज ए डिविडेंड वो क्या है कि पैसा रीपे करेगा इक्विटी होल्डर्स को। अनलाइक दैट मींस डिफरेंट फ्रॉम द लेंडर्स, इक्विटी फाइनेंस इन्वेस्टर्स डोंट नॉर्मली हैव द लीगल राइट, उन लोगों के पास कोई लीगल राइट नहीं है किस चीज का, टू चार्ज द इंटरेस्ट और टू बी रिपेड बाय पर्टिकुलर डेट, वो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते लीगली, या तो कोई फिक्स डेट नहीं है जब वो क्लेम कर सकते कि भाई हमें हमारा पैसा वापस मिल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो ओनरशिप फंड है, यानी कि कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, तो ही वो चीज रिपे की जाएगी। देयर रिटर्न इज यूजुअली पेड इन ए डिविडेंड फॉर्म, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिविडेंड के तौर पर आपको रिपेमेंट किया जाता है, एंड डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब ये जो डिविडेंड की वैल्यू है दैट डिपेंड्स कि आप बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है और उसमें से कितना प्रपोर्शन वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। क्लियर एवरीवन? थर्ड पॉइंट दैट इज अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग, उसमें क्या है, फाइनेंसिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस। अब ये जो फाइनेंस के डेट फाइनेंसिंग हमने देखा, इक्विटी फाइनेंसिंग देखा, एंड थर्ड वन दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों तरफ से यानी कि दोनों साइड से आपके लिए फंड अवेल कर सकते हो। इंटरेस्ट सोर्सेस ऑफ फंड्स आर प्रॉफिट, इंटरनल सोर्सेस सॉरी इंटरनल सोर्सेस जो है वो क्या है, दैट इज प्रॉफिट सेल ऑफ एसेट्स, आपको प्रॉफिट हो रहा है या तो आप कोई कंपनी की एसेट सेल कर रहे हो। इंटरनल यानी कि विद इन द कंट्री सॉरी विद इन द कंपनी, कंपनी के अंदर आपके पास जो जो भी सोर्सेस है उसको यूज करके आप फंड अवेल कर रहे हो, आप फंड यूटिलाइज कर रहे हो, राइट? क्या क्या है वो फिर से देखते हैं। इंटरनल सोर्सेस ऑफ फंड्स आर प्रॉफिट, सेल ऑफ एसेट, रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल, आपकी वर्किंग कैपिटल यानी कि आपके खर्चे कम कर रहे हो, एक्सटेंडेड पेमेंट टर्म्स एंड अकाउंट रिसीवेबल, ये सभी आपके इंटरनल सोर्स है। ऑन द अदर हैंड द मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड सोर्स ऑफ फंड आर एक्सटर्नल सोर्स। अब एक्सटर्नल सोर्स में क्या आता है, एक्सटर्नल फंड्स इंक्लूड सेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेल्फ यानी कंपनी और सेल्फ यानी कि जो ऑनर है वो दो डिफरेंट है। तो यहां पर कंपनी के लिए एक्सटर्नल सोर्स में क्या क्या आएगा, सेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स, सप्लायर्स एंड ट्रेड क्रेडिट, कॉमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट कोई ग्रांट्स प्रोवाइड कर रही है वो भी आपके लिए बेनिफिट है, राइट? फॉर रिसर्च, बिजनेस एंजल्स, वेंचर कैपिटल, बिजनेस पार्टनर्स, ये सभी चीज है, यहां एक्सटर्नल सोर्सेस है जिससे आप बिजनेस के लिए फंड अवेल कर सकते हो, राइट? तो हमारा यहां पे फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो रहा है, दैट इज सोर्सेस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम टर्म एंटरप्राइज फाइनेंसिंग, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को फाइनेंसिंग के सोर्स कौन से है, राइट? डेट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग एंड